Dear students, welcome again in the series of chemical bonding lectures. Okay, so in this lecture we will discuss about the hybridization in the central atom of the molecules that contains the lone pair of electrons. Okay, इससे पहले बच्चों हमने पढ़ा था कि जो hybridization है वो different type के molecules में पढ़ा, जहां पर केवल sigma bond था, जहां पर double bond भी present थे, वहां पर हमने hybridization study किया था. इसके अलावा हमने डिस्कस किया था हाइब्रिडाइजेशन इन द सेंट्रल एटम ऑफ आयंस, आयनिक मॉलिक्यूल्स. ओके, तो आपका स्वागत है बच्चों इस लेक्चर सीरीज में, केमिकल बॉन्डिंग की लेक्चर सीरीज में, जहां पर हम डिस्कस करेंगे हाइब्रिडाइजेशन इन द मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. क्योंकि एक्चुअल में वेस्पर थ्योरी में जाने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि जहां पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वहां पर सेंट्रल एटम पर हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद सम एग्जांपल्स. The molecules that contains the lone pair of electrons as well as bond pair of electrons. These bond pair of electrons and lone pair of electrons I will discuss later in the Wesper theory. मैं आपको ये जो bond pairs of electrons हैं या फिर lone pair of electrons हैं वो क्या हैं, वो कैसे arrange रहते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे Wesper theory में. बस यहाँ पर हम केवल निकालना सीख रहे हैं कि how we can just find out the hybridization in the central atom of the molecules that contains the lone pair of electrons. So first we will start with the sp3 hybridization. सबसे पहले हम sp3 hybridization के साथ start करेंगे, जहां पर मैंने ये molecules आपको दिए हुए हैं. यहां पर इन molecules में क्या होता है, यहां पर only one lone pair of electron है और hybridization central atom के ऊपर क्या है, sp3. okay, तो अब हम लेट्स स्टार्ट विद दिस अमोनिया मॉलिक्यूल. अमोनिया मॉलिक्यूल को अगर हम स्टार्ट करें तो अमोनिया मॉलिक्यूल में क्या है बच्चों, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसका वो है 2s2p3. ओके, 2p3 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. तो ये सेंट्रल एटम हो गया. अब आप जानते हैं कि जो एन है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के केस में इलेक्ट्रॉन्स की अनपेयरिंग नहीं हो सकती है क्योंकि यहां पर कोई भी डी ऑर्बिटल नहीं है, तो कोई अनपेयरिंग नहीं होगी. तो अनपेयरिंग नहीं होनी. ओके, अब आप देखिए हम तीन हाइड्रोजन एटम्स बना रहे हैं. ये 1s ऑर्बिटल है हाइड्रोजन का, दूसरा हाइड्रोजन एटम उसका 1s ऑर्बिटल है, ये हाइड्रोजन एटम है दूसरा, और तीसरा 1s ऑर्बिटल हम बना रहे हैं जिसका ये हाइड्रोजन एटम है. अब आप देख सकते हैं इक्वली यहां पर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तीन है नाइट्रोजन के पास, और सराउंडिंग एटम्स के पास भी देयर आर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. सो नाउ द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बिकम इक्वल इन द सेंट्रल एटम एज वेल एज इन द सराउंडिंग एटम्स, सो दैट दे कैन इजिली फॉर्म बॉन्ड विद ईच अदर अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. अब क्या करेंगे, अब देखिए जब बॉन्ड बनता है उससे पहले हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो एस ऑर्बिटल हमेशा पार्टिसिपेट करता है हाइब्रिडाइजेशन में, चाहे उस वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करे या ना करे. तो यहां पर आप देखिए ये जो एस इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक पेयर है यहां पर इलेक्ट्रॉन का एक ऑर्बिटल में, तो ये बॉन्डिंग में तो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, बट इट पार्टिसिपेट्स इन हाइब्रिडाइजेशन. लेकिन ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है क्योंकि एस ऑर्बिटल जो अंदर के ऑर्बिटल है वो पार्टिसिपेट करते ही करते हैं, तो बाहर के ऑर्बिटल तो पार्टिसिपेट अकॉर्डिंग टू दी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन करेंगे, लेकिन अंदर का जो ऑर्बिटल है वो हमेशा पार्टिसिपेट करता है हाइब्रिडाइजेशन में. इट कैन नॉट पार्टिसिपेट इन दी बॉन्डिंग. बॉन्डिंग में तो पार्टिसिपेट नहीं करेगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग, लेकिन ये किस में पार्टिसिपेट करेगा, हाइब्रिडाइजेशन में. तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा बच्चों, sp3. ओके, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया. तो यहां पर अब देखिए क्या होगा, ये जो sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है एन का वो इसके साथ ओवरलैप करेगा, ये दूसरा वाला 1s ऑर्बिटल ऑफ एच के साथ करेगा, और तीसरा तीसरे एच के साथ ओवरलैप करके 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा. तो यहां 3 सिग्मा बॉन्ड है, 3 ऑर्बिटल तो पार्टिसिपेट करेंगे ही करेंगे, पर साथ में क्या होगा कि ये जो जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है, इसलिए जो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3. तो यहां पर हम क्या काउंट करेंगे बच्चों, लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड्स. तो उस हिसाब से हम हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं. ज्योमेट्री को हम डिस्कस करेंगे
जब हम वेस्पर थ्योरी पढ़ रहे होंगे तो हम इसकी ज्योमेट्री को डिस्कस करेंगे, पर इस तरीके से मैं आप क्यों ज्योमेट्री इसकी चेंज हो जाती है तो अभी अगर हम देखेंगे तो सिंपल अगर मैं आपको इसका स्ट्रक्चर दिखाऊं तो कुछ इस तरीके का होगा कि यहां पर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और तीन क्या होंगे हाइड्रोजन अटैच्ड होंगे सिग्मा बॉन्ड के साथ, तो एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड, तीसरा सिग्मा बॉन्ड और ये क्या है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो चार हो गए। तो कितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट्स करेंगे, फोर ऑर्बिटल्स विल पार्टिसिपेट। फोर ऑर्बिटल्स का मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, ये हमने वो एग्जांपल लिए हैं जहां पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो वहां पर हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा sp3। नाउ कम टू द एग्जांपल ऑफ जीनोन। अब जीनोन के एग्जांपल में आते हैं o3। जीनोन का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें बच्चों तो क्या होता है 5s2p6। ओके 5s2p6 होता है, सारे इलेक्ट्रॉन्स अगर आप देखेंगे ऑल द इलेक्ट्रॉन्स दे आर पेयर्ड। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से सबसे पहले क्या होगा ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे अनपेयर। कितने चाहिए देखिए, सराउंडिंग एटम में कितने ऑक्सीजन एटम है 3। वन ऑक्सीजन एटम कंटेन्स टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, सो 3 विल कंटेन 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। 6 क्या है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जितने हैं सेंट्रल सराउंडिंग एटम्स के पास उतने ही सेंट्रल के पास भी होने चाहिए। तो यहां से 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो शिफ्ट होंगे 5d ऑर्बिटल में और इनकी क्या हो जाएगी अनपेयरिंग हो जाएगी 3, क्योंकि हमें केवल कितने चाहिए 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स की अनपेयरिंग हो गई, ये 5d है, ये 5p है और ये 5s है। ओके अब आप देख सकते हैं 6 यहां पर क्या हो गए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, बॉन्डिंग हो जाएगी। लेकिन अब आप जानते हैं जो ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन एटम के पास क्या है, अब मैं केवल 2 इलेक्ट्रॉन बना रही हूं बच्चों क्योंकि यहां पर जगह नहीं है, आपको पता चल गया है कि अगर एक ऑक्सीजन एटम होगा तो उसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, ये इसके 2p ऑर्बिटल में होंगे, दूसरा ऑक्सीजन होगा तो उसमें भी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, ये इसका 2p ऑर्बिटल है। आपको पूरा बनाना पड़ेगा, यू हैव टू ड्रॉ द कंप्लीट कन्फिग्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, बट आई एम शोइंग ओनली द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ओके सो दिस इज द थर्ड ऑक्सीजन, ये तीसरा ऑक्सीजन है। तो तीसरे ऑक्सीजन में अब आप देखिए 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब इसमें से जो एक इलेक्ट्रॉन है वो तो सिग्मा बनाएगा, जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है इट विल फॉर्म द पाई बॉन्ड। तो कितने पाई बॉन्ड बनने वाले हैं, देयर आर द 3 पाई बॉन्ड्स 1, 2 एंड 3। तो 3 ऑर्बिटल्स छोड़ के बाकी जो ऑर्बिटल्स हैं दे विल हाइब्रिडाइज। तो 3 ऑर्बिटल हम छोड़ देंगे बिकॉज दे आर फॉर्मिंग द पाई बॉन्ड्स, तो हमें ये ऑर्बिटल चाहिए जिन पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3। तो ये जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है देखिए, ये 4 ऑर्बिटल मिक्स होंगे और ये मिक्स होने के बाद 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाएंगे। एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल क्या करेंगे इसके साथ, जो ऑक्सीजन के 2p ऑर्बिटल के साथ जिसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसके साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। ओके और जो दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, वो साइडवेज ओवरलैपिंग करके इस इलेक्ट्रॉन के साथ पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। ओके इस तरीके से आप देखेंगे देयर आर फॉर्मेशन ऑफ 3 सिग्मा बॉन्ड्स, देखिए 3 सिग्मा बॉन्ड बन रहे 1, 2 एंड 3 और एक क्या है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसकी ज्योमेट्री तो हम बाद में डिस्कस करेंगे कुछ इस तरीके की होगी कि यहां पर xe के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। देखिए एक ऑक्सीजन के साथ ये कितने बॉन्ड बना रहा है डबल बॉन्ड, दूसरे ऑक्सीजन के साथ भी डबल बॉन्ड और तीसरे ऑक्सीजन के साथ भी डबल बॉन्ड। तो ज्योमेट्री को प्रिडिक्ट करना बहुत आसान होता है विद द हेल्प ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, बस हमें ये देखना है कि हाउ मच unpaired electrons are there in the surrounding atoms, that should be equal to the number of unpaired electrons in the central atom so that they can easily overlap, the orbitals can easily overlap and form bond according to valence bond theory. Now come to the second example, और ये जो example है बच्चों H2O, यहाँ पर आप देखेंगे there are 2 lone pair of electrons, okay? 2 lone pair of electrons यहाँ पर होंगे और जो 2 lone pair of electrons यहाँ पर होंगे उसकी वजह से आप देखेंगे again hybridization इस पर sp3 होगा O के ऊपर, लेकिन geometry इसकी change होगी which we will further discuss in the Vesper theory lecture.
तो ऑक्सीजन का अगर हम ये सेंट्रल एटम मानते हुए अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहाँ पर जो कन्फिग्रेशन होगा वो होगा 2s2p4। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज 2s2p4, ये ऑक्सीजन है। अब आप देखिए कि दो इसके साथ हाइड्रोजन अटैच्ड है, तो दो हाइड्रोजन के साथ कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1s ऑर्बिटल ऑफ 1h एटम एंड दिस इज द 1s ऑर्बिटल ऑफ अनदर h एटम, दोनों के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दो सराउंडिंग एटम्स के पास देर आर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो आप देख सकते हैं सेंट्रल एटम के पास भी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, बॉन्डिंग आसानी से हो सकती है। तो क्या होगा, देखिए हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगा, आसानी से हाइब्रिडाइजेशन होगा कि ये जो दो एक एस और एक पी हैं जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्डिंग में तो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, दोनों लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बट दे आर पार्टिसिपेटिंग इन हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में इनर ऑर्बिटल हमेशा पार्टिसिपेट करते हैं अगर बाहर के ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सो फॉर्मेशन ऑफ 4sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल विल टेक्स प्लेस। ओके, तो क्या होगा, दो sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे और जो sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है ये एच के 1s के साथ क्या बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड्स बनाएंगे। इस तरीके से हम सिंपल इसका स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए हमको पता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, तो ये जो दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है कि इस तरीके से इसमें अरेंज हो जाएंगे टेट्राहेड्रली, और जो दो एच एटम है वो इस तरीके से सिंगल बॉन्ड से अटैच हो जाएंगे। और अगर हम इसमें काउंट करेंगे तो यहां पर आप देखिए दो सिग्मा बॉन्ड से हैं और दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो मैंने आपसे कहा व्हेन वी काउंट द हाइब्रिडाइजेशन इन लोन पेयर ऑफ कंटेनिंग कंपाउंड्स तो हमें क्या काउंट करने होंगे, लोन पेयर्स प्लस सिग्मा बॉन्ड्स। तो कितने हैं, 2 lone pairs एंड 2 sigma bonds, मतलब 4 orbitals विल पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। 4 orbitals का मतलब है एक तो s होगा ही होगा, बाकी क्या होंगे, 3 p। तो जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती जाएगी वो ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट करते जाएंगे। तो इस तरीके से आपने देखा H2O molecule, जो हमें ऐसा दिख रहा है कि इसमें sp hybridization हो सकता है, लेकिन इसमें क्या है, sp3 hybridization है, क्योंकि इसमें क्या थे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स के हम जो हाइब्रिडाइजेशन है वो देखते ही नहीं बता सकते, इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि कितने इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड हाउ मच देयर आर द सिग्मा बॉन्ड्स। ओके, सो दीज आर द एग्जांपल्स, वेरी कॉमन एग्जांपल्स ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन। नाउ कम टू द sp3d हाइब्रिडाइजेशन। अब आप देखिए sp3d हाइब्रिडाइजेशन जहां पर सेंट्रल मेटल एटम के अंदर है, लेकिन साथ में इनमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी है। तो इफ वी टेक sf4 एग्जांपल, देन वी विल फाइंड दैट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ sf4 इज 3s2p4। ओके, P4 इसका कॉन्फ़िगरेशन है 3s2 3p4, ये है S। अब आप देखिए सराउंडिंग एटम में कितने फ्लोरीन है, 4। एक फ्लोरीन के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1। तो मैं केवल 1 से दिखा रही हूँ। ओके, बाकी कॉन्फ़िगरेशन मैंने नहीं लिखा है, ये फ्लोरीन का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैंने दिखाया है, दूसरे फ्लोरीन का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाया है, ये 2p ऑर्बिटल है इसका। ओके, ये इसका 2p ऑर्बिटल है, तीसरा फ्लोरीन में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये भी 2p में है, और चौथे में भी जो है एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा फ्लोरीन के 2p ऑर्बिटल में। केवल मैंने एक ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन दिखाया है, बाकी आप दिखाएंगे कंप्लीट जैसे हमने यहां पर लिखा है। 2s2p5 इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो एक इसमें क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सो नाउ यू कैन सी दैट देयर आर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन दिस फ्लोरीन एटम सराउंडिंग एटम्स में, लेकिन यहां पर कितने हैं, केवल 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ये पहले क्या होगा, ये अनपेयर होगा, और अनपेयर होने के बाद ये क्या बनाएगा, जो इसमें डी ऑर्बिटल्स हैं उसमें ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर है दैट विल अनपेयर, क्योंकि हमें केवल एक इलेक्ट्रॉन चाहिए बॉन्डिंग के लिए, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इससे क्या होंगे, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और एक जो है वो आप देखेंगे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इट विल शिफ्ट। ओके, तो ये देखिए 3d ऑर्बिटल। अब आप देख सकते हैं सेंट्रल एटम कंटेन्स 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड सराउंडिंग एटम्स दे आल्सो कंटेन 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और सारे बॉन्ड क्या बन रहे हैं, सिग्मा बन रहे हैं। देखिए एक एक इलेक्ट्रॉन है तो सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, इसका मतलब है कि आसानी से क्या होगा, ये सारे के सारे ऑर्बिटल दे विल मिक्स एंड हाइब्रिडाइज एंड फॉर्म 5sp3d हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, 5 ऑर्बिटल्स बनाएंगे। ये जो 5 ऑर्बिटल्स बनेंगे इसमें से एक में तो होगा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और बाकी क्या करेंगे, ये एड ऑन ओवरलैपिंग करके एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड,
तीसरा सिग्मा बॉन्ड और चौथा सिग्मा बॉन्ड ये फॉर्म करेंगे। इस तरीके से अगर हम इसे देखेंगे तो एस में क्या होगा, इस कुछ इस तरीके की ज्योमेट्रीज की होगी कि एक एफ, दो एफ, तीन एफ, चार एफ और एक क्या होगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसकी ज्योमेट्री अगेन मैं आपसे कह रही हूँ कि इसकी ज्योमेट्री हम डिस्कस करेंगे जब हम वेस्पर थ्योरी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये देखिए इस तरीके की इसकी ज्योमेट्री आएगी। ओके, अब हम नेक्स्ट जो डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे बच्चों XeF2 को। तो XeO2F2 को अगर आप देखेंगे अगेन कुछ इसी तरीके का मॉलिक्यूल है और यहाँ पर हम जानते हैं कि जो एक्स ई है उसमें उसके केस में क्या होता है, उसके केस में होता है बच्चों कि वो जो है एक्स ई का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होता है, वो होता है 5s2p6। ओके, p6 है। अब हम जानते हैं कि हमारे पास सराउंडिंग एटम में क्या है, सराउंडिंग एटम में हमारे पास है O2 है और F2 है। तो O2 के पास एक ओके ऑक्सीजन के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दो। दूसरे ऑक्सीजन के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दो। ये 2p ऑर्बिटल है इसका, केवल मैंने वही ऑर्बिटल दिखाए हैं जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। फिर एक फ्लोरीन है, फ्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक 2p ऑर्बिटल में। और दूसरे फ्लोरीन के पास भी कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, टू होंगे 2p में, वन इलेक्ट्रॉन होगा 2p में। ओके, तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो यहां से क्या होगा, अनपेयरिंग होगी और ये अनपेयरिंग होगी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं कितने अनपेयर होने हैं, 6 टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने। तो जो पी ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे विल अनपेयर एंड गो टू द डी ऑर्बिटल, वो कहाँ चले जाएंगे, डी ऑर्बिटल में शिफ्ट हो जाएंगे। ओके, अब जब ये अनपेयरिंग हो जाएगी, ये 5s है, ये 5p है और ये 5d ऑफ XE, ये XE का 5d। अब आप देखिए 6 में से कितने बॉन्ड जो है वो पाई बनने वाले हैं, एक बॉन्ड और दूसरा बॉन्ड। ये देखिए एक इलेक्ट्रॉन ये है और एक ये दोनों पाई बॉन्ड बनाएंगे। तो दो ऑर्बिटल वी कैन लीव, दो ऑर्बिटल को छोड़ दीजिए। बाकी ऑर्बिटल्स क्या करेंगे बच्चों, बाकी ऑर्बिटल्स दे विल मिक्स एंड फॉर्म अगेन sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा और लेकिन इसमें आप देख सकते हैं कि अगेन देयर इज वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कुछ इस तरीके से हम इसको शो कर सकते हैं कि ये जो है वो देखिए डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ एंड एफ, एफ एंड एक क्या है इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग कैसे होगी, देखिए हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इसके साथ बॉन्ड करेगा सिग्मा बॉन्ड, इसके साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, इसके साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएगा और इसके साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएगा और लिटरली ओवरलैप करके ये जो दो बॉन्ड कैसे बनेंगे, ये बनेंगे पाई बॉन्ड। ओके, ये देखिए ये बन गए पाई बॉन्ड। तो इस तरीके से आप देखेंगे दो ऑक्सीजन में एक ब्लैक और एक ब्लू लाइन है, दो डबल बॉन्ड बनेंगे, दो सिंगल बॉन्ड और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें रहेगा। तो इसकी ज्योमेट्री कुछ इस तरीके से होगी कि सेंट्रल मेटल के ऊपर क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब हम इस तरीके के मॉलिक्यूल देखेंगे जहां पर sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा लेकिन जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कितने होंगे, दो। ओके, तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगा, देखिए Cl है, Cl(F3) मॉलिक्यूल को अगर हम डिस्कस करें तो Cl का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 3s2 3p5। ओके, 3p5 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसके पास 3d ऑर्बिटल भी होंगे एम्प्टी, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकते हैं। 3d ऑर्बिटल किस तरीके से होंगे वो हम देखेंगे। अब आप देखिए कि हमारे पास कितने f हैं, 3f का मतलब है कि हमारे पास तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है सराउंडिंग एटम्स में, इस तरीके से हम दिखा सकते हैं। ओके, ये एक f है, f का 2s एंड 2p, देन दूसरा f, ये मैं कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन दिखा रही हूँ, इससे पहले आई हैड शोन यू ओनली द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो ये जो है दूसरा f है और ये तीसरा f ऑर्बिटल है। ओके, जहाँ पर अगेन आप पाएंगे कि देयर इज वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन p ऑर्बिटल, तो ये भी f है। अब कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, 3, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट कर देते हैं यहाँ, तो ये शिफ्ट हो गया देखिए। और यहाँ पर आप देखिए कि ये तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम के पास भी हैं और सराउंडिंग एटम के पास भी हैं, सभी क्या बनाने वाले हैं, सिग्मा बॉन्ड। तो क्योंकि ये सिग्मा बॉन्ड बनाने वाले हैं इसलिए इसमें किस तरीके से होगा, ये एस ऑर्बिटल 3p और 1d हाइब्रिडाइज होंगे, मिक्स होंगे और क्या बनाएंगे, 3sp3d हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स। ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है दो, ये sp3d हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में रहेंगे दो और बाकी
की तीन sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल दे विल फॉर्म सिग्मा बॉन्ड विद दी पी ऑर्बिटल ऑफ दी एफ एटम्स. तो तीन सिग्मा बने और दो क्या है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो इसकी ज्योमेट्री कुछ इस तरीके की होती है कि यहाँ पर आप देखेंगे कि ये एफ एफ एंड एफ और दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरीके से अरेंज रहते हैं. तो अगेन वी विल डिस्कस दिस ज्योमेट्री इन द नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज वेस्पर थ्योरी, कि व्हाई दिस ज्योमेट्री इज पॉसिबल उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे. बट यहाँ पर हम केवल ये बता रहे हैं कि किस तरीके से Cl जो है वो सेंट्रल एटम है और यहाँ पर sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है. लाइकवाइज दिस इज द होमवर्क फॉर यू दैट व्हाट विल बी द हाइब्रिडाइजेशन ऑन Xe इन XeOF2. हाइब्रिडाइजेशन आप निकालने की कोशिश करिए कि यहाँ पर क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा. sp3d होगा लेकिन किस तरीके से होगा इस ये ड्रॉ करके आप बताएंगे. ओके अगेन द थर्ड नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ sp3d इज द मॉलिक्यूल्स दैट कंटेन्स थ्री लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. जिनमें थ्री लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसका हम एग्जाम्पल दे रहे हैं. यहाँ पर XeF2 आप खुद करके देखेंगे. इफ एनी प्रॉब्लम देन आई विल एक्सप्लेन इन एनी वन ऑफ माई लेक्चर. ओके सो नाउ आई एम डिस्कसिंग अबाउट ICl2-. बिल्कुल दोनों में एक ही तरीके से बॉन्डिंग होती है और दोनों में ही sp3d हाइब्रिडाइजेशन है. तीन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं. ज्योमेट्री भी एक सी होती है. लेट्स स्टार्ट विद ICl2 जहां पर I का कन्फिग्रेशन क्या होता है 5s2p5 5p5. ओके ये इस तरीके से इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा और इसके बाद इसमें कुछ डी ऑर्बिटल्स भी होंगे, 5d ऑर्बिटल्स. अब आप देखिए इसके साथ दो क्लोरीन जुड़ी हुई हैं. दोनों क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है बच्चों, 3s2p5. ये एक क्लोरीन है और ये दूसरी क्लोरीन है जिसका कन्फिग्रेशन अगेन क्या है 3s2p5 3s3p. ओके ये दूसरा Cl है. अब आपको ये देखना है कि एक Cl के ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है. ओके तो उस नेगेटिव चार्ज को दिखाएंगे हम. तो इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज हमने कर दिया और इसको हमने कम्प्लीटली फिल्ड कर दिया. तो इसको हमने कम्प्लीटली फिल्ड कर दिया है. ओके और यहाँ पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. अब आप देख सकते हैं एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम जो कि आई है उसके पास है और एक जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो सराउंडिंग एटम के पास है. तो बॉन्डिंग तो आसानी से होगी लेकिन इसके साथ बॉन्डिंग कैसे होगी, इसके साथ बॉन्डिंग कैसे होगी. इट कैन प्रोवाइड इट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ आई के एम्प्टी ऑर्बिटल को ये इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड कर सकता है. तो क्योंकि ये बॉन्डिंग होनी जरूरी है इसलिए हमको ये ऑर्बिटल भी कंसीडर करना पड़ेगा हाइब्रिडाइजेशन में. सो नाउ द हाइब्रिडाइजेशन विल बिकम अगेन sp3d. अगेन हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d. अब आप देखिए क्या होगा, 1 2 3 थ्री लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स का होंगे 3sp3d ऑर्बिटल में. और ये जो ऑर्बिटल है, जो sp3d हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, सॉरी ये जो है वो सिग्मा बॉन्ड किससे बनाने जा रहा है, वो सिग्मा बॉन्ड बनाने जा रहा है सिग्मा बॉन्ड, दिस इज सिग्मा बॉन्ड. सिग्मा बॉन्ड बना रहा है इस क्लोरीन के साथ. और एक जो एम्प्टी sp3d ऑर्बिटल है ये क्या करेगा, इस क्लोरीन के पी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन पेयर को कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू ले लेगा. तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि सिग्मा बॉन्ड, ये भी क्या है सिग्मा बॉन्ड. तो क्या है, 1 sigma 2 sigma और 3 lone pair ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो 5 ऑर्बिटल्स विल पार्टिसिपेट. कितने हैं, 3 lone pair of electrons plus 2 sigma. ओके तो कितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, 5 ऑर्बिटल्स. 5 ऑर्बिटल्स का मतलब क्या है, 1 तो s होगा, 3 p होंगे और 1 d होगा. तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d हाइब्रिडाइजेशन. ज्योमेट्री कुछ इस तरीके की होगी कि यहाँ पर Cl है, Cl माइनस अगर है तो ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा. दूसरा Cl है, देन 3 lone pair ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से इसमें अरेंज होती हैं. ओके तो इन द सिमिलर वे यू कैन ड्रॉ द ज्योमेट्री ऑफ XeF2. देख के हमें लगता है कि ये लीनियर मॉलिक्यूल्स होंगे, बट दीज आर लीनियर मॉलिक्यूल्स बट दे आर नॉट हैविंग द sp हाइब्रिडाइजेशन. इंस्टेड ऑफ दे आर हैविंग द sp3d हाइब्रिडाइजेशन. तो ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनको हम देख कर नहीं बता सकते कि इनमें हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जब तक हम वर्कआउट ना कर लें.
नाउ कम टू अनदर हाइब्रिडाइजेशन दैट इज sp3d। अब हम sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। अब हम देखिए दो तरीके के मॉलिक्यूल्स यहां पर मैंने लिखे हैं, एक लिखा है TEF5- एक लिखा है ICl4-। अब हम इनको बना के देखेंगे और हम देखेंगे कि किस तरीके से इनमें सेंट्रल एटम पर sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। लेट्स स्टार्ट विथ TEF5-। अब देखिए यहां पर हम TE को देखें तो TE का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है बच्चों, 5s2p4। क्या है कन्फिग्रेशन, 5s2p4। ओके, 5s एंड 5p4, ये है TE। अब इसके साथ कितने F जुड़े हुए हैं, 5F जुड़े हुए हैं। देखिए ये 2s2 2p5। ओके, 2p5 है, ये एक F है, दूसरा F भी जोड़ लेते हैं, ये दूसरा F है जिसमें अगेन देयर कॉन्फ़िगरेशन इज 2s2 2p5। ओके, ये दूसरा F है, ये तीसरा F हम यहाँ पर लिख लेते हैं, थर्ड F आयन, सो दिस इज 2s2p, ये F ऑर्बिटल है। देन फोर्थ F हम ऐड कर देते हैं क्योंकि हमें आयन दिखाना है यहाँ पर, इसलिए आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ दी कंप्लीट वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑल F एटम्स। ओके, एक मैं यहाँ पर बना लेती हूँ, यहाँ पर मैं ड्रॉ कर लेती हूँ बच्चों F। ओके, तो यहाँ पर क्या है, 2s2p5, ये क्या है, एक F एटम है। अब सबसे पहले हमें क्या काम करना है कि एक F एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर देना है। ओके, तो एक F एटम के ऊपर जब हम नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज इसके ऊपर आ गया। ओके, तो इस F एटम को हमने माइनस कह दिया। ठीक है, अब जो है अब देखिए कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, चार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और केवल यानी चार सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर बनने वाले हैं, ये वाले। ठीक है, जहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो हम चार इलेक्ट्रॉन्स को क्या होने चाहिए, यहाँ पर अनपेयर्ड होने चाहिए। तो चार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हम कर दें, इसका मतलब है कि यहां पर से एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, यहां शिफ्ट होता 5d में, तो उसको हम शिफ्ट कर देते हैं बच्चों 5d ऑर्बिटल में। एक इलेक्ट्रॉन मैंने शिफ्ट कर दिया तो देखिए 1 2, यहाँ पर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है। ओके, 1 2 3 4, फोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग एटम के पास है और फोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसके पास है, सेंट्रल एटम के पास। तो चार बॉन्ड तो ये बन जाएंगे, अब पांचवा बॉन्ड कैसे बनेगा, फिफ्थ बॉन्ड के लिए क्या होगा कि ये अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डोनेट कर सकता है, तो बॉन्ड बनना तो जरूरी है। ओके, तो इसका मतलब ये वाला जो एम्प्टी ऑर्बिटल है ये भी क्या होगा, हाइब्रिडाइज होगा। और जब ये हाइब्रिडाइज होगा तो फिर क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा, देखिए आप देखेंगे किस तरीके से हम कर सकते हैं, sp3d2। देखिए एक s, 3p और 2d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, एक sp3d2 ऑर्बिटल खाली है, चार हाफ फील्ड है और एक जो है वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां पर है। तो एक जो sp3d2 होगा उसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा, जो दूसरा जो sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड है वो इसके साथ हेड ऑन ओवरलैपिंग करके बॉन्ड बनाएगा सिग्मा, दूसरे फ्लोरीन एटम के पी ऑर्बिटल के साथ हेड ऑन ओवरलैपिंग करके बनाएगा और तीसरे फ्लोरीन एटम के साथ जो हेड ऑन ओवरलैपिंग के साथ सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और ये बनाएगा चौथे जो फ्लोरीन है उसके 2p ऑर्बिटल के साथ हेड ऑन ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। और एक जो एम्प्टी जो sp3d2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है यहां पर ये F- अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा और ये क्या होगा, एक सिग्मा बॉन्ड होगा। इस तरीके से आप देखेंगे 1 2 3 4 5 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो जब इस तरीके का होगा तो ज्योमेट्री किस तरीके की होगी, तो इसकी अगर हम ज्योमेट्री ड्रॉ करेंगे बच्चों तो कुछ इस तरीके की ज्योमेट्री आएगी, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल शेप होना चाहिए लेकिन होता नहीं है। तो इस केस में क्या होता है, इस तरीके की ज्योमेट्री होती है। देखिए ये चार F जो है वो स्क्वायर प्लेनर में है इसके, और एक जो है F यहाँ है और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट है। अब यहाँ पर एक F के ऊपर कैसा चार्ज है, माइनस चार्ज, तो कुछ इस तरीके की ज्योमेट्री हम दिखा सकते हैं। वैसे इसको हम जब भी कोई नेगेटिव चार्ज होता है तो हम क्या करते हैं, इसको ओवरऑल हम इसके ऊपर क्या दिखा देते हैं, नेगेटिव चार्ज दिखा देते हैं। तो वो आपको मैंने किस तरीके से बॉन्डिंग होती है वो आपको यहाँ पर दिखाया है कि F- जो है वो इसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। तो पांच, देखिए इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है, 5
फाइव सिग्मा बॉन्ड है, 1, 2, 3, 4, 5, और एक क्या है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3d2 6 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन का होगा sp3d2। नाउ वी विल कंसिडर अनदर एग्जाम्पल ICl4-, जहां पर आप देखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन तो sp3d2 होगा सेंट्रल एटम पर, बट देर आर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन यहां पर कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे बच्चों, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इसको हम सीखते हैं किस तरीके से, देखिए आई है, आई का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, 5s2p5, ओके क्या होगा 5s2p5, सो दिस इज 5s, दिस इज 5p, और इसके पास एक एम्प्टी डी ऑर्बिटल भी होगा, 5d ऑर्बिटल, वो भी हम बना लेते हैं क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करने वाले हैं। अब इसके साथ क्या जुड़े हैं, 4cl, 4cl जुड़े हैं तो 4cl हम बना देते हैं 3s2 3p5, ओके 3p5 हम यहां पर ऐड कर रहे हैं, ये 3p है, ये एक cl है, देन आई विल ड्रॉ द सेकेंड cl एटम, इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लेते हैं 3s3p, ओके दूसरा cl है, देन थर्ड cl, ये इसका वैलेंस शेल कन्फिग्रेशन है 3s3p, तीसरा cl है ये, और यहाँ पर हम चौथा cl लिख देते हैं, फोर्थ cl, जहां पर हाइब्रिडाइजेशन अभी हम निकालेंगे, और यहाँ पर भी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो क्या है 3s3p ऑर्बिटल cl, ओके अब आप देखिए एक cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, इस पर एक cl के ऊपर, किसी भी cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा देंगे तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएगा, ओके अब आप देखिए कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है सराउंडिंग एटम के पास, 1, 2 एंड 3, थ्री सराउंडिंग एटम के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ सेंट्रल एटम में भी वी रिक्वायर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, तो यहां पर क्या होगा कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाएगा, ओके तो इस इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट होने के बाद ये इसको क्या कर देगा, अनपेयर कर देगा, इसको हम हटा देते हैं, यहां पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया, तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, 1, 2, 3, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, तो अब बॉन्डिंग आसानी से हो सकती है, 1 sigma 2 sigma 3 sigma, अब ये जो फिल्ड ऑर्बिटल है ये क्या करेगा, इसके एम्प्टी ऑर्बिटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने वाला है, यानी कोऑर्डिनेट का मतलब भी सिग्मा, तो ये ऑर्बिटल भी हमें लेना होगा हाइब्रिडाइजेशन में, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन अगेन क्या हो जाएगा sp3d2, हाइब्रिडाइजेशन और sp3d2, जहां पर आप देख सकते हैं देर आर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 2 sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स एंड 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन 3 sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स एंड 1 sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल विल रिमेन एम्प्टी, एक खाली रहेगा, ओके तो 2 जो है ये इनवर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भरे हुए होंगे। अब आप देखिए किस तरीके से यहां पर बॉन्डिंग होगी, ये जो sp3d2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है ये p ऑर्बिटल ऑफ cl के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, ये p ऑर्बिटल ऑफ cl के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, ये भी p ऑर्बिटल ऑफ सिग्मा cl के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, और ये जो फील्ड ऑर्बिटल है ये इसको क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे देयर आर 4 सिग्मा बॉन्ड्स एंड 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या है 4 सिग्मा बॉन्ड्स प्लस 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब टोटल 6 ऑर्बिटल्स विल पार्टिसिपेट, 6 ऑर्बिटल्स का मतलब है एक s होगा, 3 p होंगे और 2 d होंगे, सो हाइब्रिडाइजेशन विल बिकम sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। नाउ ज्योमेट्री भी हम इसी के अकॉर्डिंग बना सकते हैं, तो अगर हम ज्योमेट्री देखेंगे इसकी तो कुछ इस तरीके से होगी कि इसमें जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर अरेंज होंगे, और जो जो 4 cl हैं वो इस तरीके से अरेंज होंगे, जो cl है वो इसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, और इस तरीके से आप देखेंगे ये ज्योमेट्री है विच विल बी डिस्कस्ड लेटर ऑन इन द लेक्चर ऑन वेस्पर थ्योरी। सो इन दिस वे वी कैन असाइन हाइब्रिडाइजेशन टू द सेंट्रल मेटल एटम ऑफ द मॉलिक्यूल्स विच आर कंटेनिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नाउ वी विल कम टू द sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन, हम sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन को देखेंगे जिसका एग्जाम्पल XeF6 है, जहां पर आप देखेंगे एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाई देगा, ठीक है। अब आप सीधे सीधे देखिए सराउंडिंग एटम के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 6, तो जीनोन को कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, जीनोन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 5s2p6, ओके 5s2p6,
ये जीनोन है, लेकिन ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को अनपेयर करेगा, और कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, सो 3 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम पी ऑर्बिटल दे विल जंप टू द 5d ऑर्बिटल। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसके साथ कितने f जुड़े हैं, अब मैं कंप्लीट तो नहीं बना रही हूं क्योंकि स्पेस की कमी है, तो हम केवल f का वो इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं जो 2p ऑर्बिटल में क्या होगा, अनपेयर्ड होगा। तो एक f ये है, दूसरा f का 2p ऑर्बिटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन केवल मैंने दिखाया है, आपको कंप्लीट दिखाना है। ये इसका 2p ऑर्बिटल है, देन f का 2p ऑर्बिटल, ओके, देन फिफ्थ वन, फिफ्थ ऑर्बिटल ऑफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस फ्लोरीन एंड दिस इज द 6th वन, ओके। तो इस तरीके से आपने देखा कि 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग एटम में, 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम के पास है। नाउ बॉन्डिंग कैन इजिली टेक्स प्लेस, ये सारे के सारे जो बॉन्ड हैं ये सिग्मा बनने वाले हैं, ओके। सो व्हाट विल बी द हाइब्रिडाइजेशन, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, एक एस 3p और 3d मिक्स होंगे एंड दे विल फॉर्म 7sp3d3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, 7sp3d3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनाएंगे जिसमें से एक के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और बाकी क्या करेंगे, हेड ऑन ओवरलैपिंग करेंगे फ्लोरीन के 6 फ्लोरीन के 2p ऑर्बिटल के पास, क्योंकि उसके पास क्या है, एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ये आप देख सकते हैं, ये इसने क्या किया, 6 यहाँ पर ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, सो देर आर 6 बॉन्ड्स एंड 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके। ये दिस इज द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो 6 सिग्मा बॉन्ड्स प्लस 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल 7 ऑर्बिटल्स विल पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, 7 ऑर्बिटल्स मीन्स 1s 3p एंड 3d, सो हाइब्रिडाइजेशन विल बिकम sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन, ओके। अब अगर हम इसकी ज्योमेट्री देखें तो ज्योमेट्री बिल्कुल डिफरेंट होती है इसकी, और यहाँ पर ये ऑक्टाहेड्रली तो जो है वो 6 फ्लोरीन एटम अरेंज रहते हैं, 6 फ्लोरीन एटम्स, एक अपर साइड एक लोअर साइड, और एक जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो किसी ऑक्टाहेड्रल के फेस में से बाहर होता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक है, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3d3। अगर हम इसको नॉर्मली देखें तो हमें ऐसा लग रहा है कि इसमें sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है xc पर, बट ऐसा नहीं है। जब हम इसको ड्रॉ करेंगे देन वी केम टू नो दैट द हाइब्रिडाइजेशन इन द जीनोन ऑफ xcf2 इज sp3d3, ओके। सो इन दिस वे आपने देखा कि हाउ वी कैन जस्ट प्रिडिक्ट द हाइब्रिड hybridization in the central atom of the molecules that are containing the lone pair of electrons as well as the double bonds, and we had not just give you the idea about the geometry of these molecules. तो मैंने आपको इनकी geometry के बारे में कोई idea नहीं दिया है, क्योंकि वो geometry का idea I will give in the Vesper theory. Only the purpose is that you should know how to calculate, how to determine the hybridization on the central atom of the molecules that are containing lone pair of electrons, okay. So in the next lecture I will discuss about the Vesper theory and the geometries of different molecules as per Vesper theory. So thank you very much.